कोरोना संक्रमण के बीच कारोबार को गति देने और जिंदगी को पटरी पर लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब अनलॉक पार्ट वन में आज से लोगों को बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। आज से सभी तरह के दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल के साथ साथ एक बार में 5 लोगों को दुकान में सामान खरीदने की इजाज़त मिलेगी। शर्तों का पालन दुकानदार और ग्राहक दोनों को करना होगा। दुकानें खोलने की इजाज़त प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक दी गई हैं। दुकान खोलने की अवधि सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का होगा, जबकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान किसी को भी घरों से निकलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। फिलहाल जिले में नया भोजपुर स्थित जदीद के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर आगे वहां कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो वहां भी छूट दी जाएगी। वर्तमान में वहाँ पहले जैसी ही सख्ती लागू रहेगी और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बक्सर डीएम अमन समीर ने बताया कि मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क, मॉल सहित सोशल गैदरिंग होने वाली जगहों को फिलहाल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थानों के खोले जाने के लिए 8 तारीख के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इस बाबत बक्सर एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने भी स्पष्ट कहा है कि लोग अफवाहों में न फंसें और नियमों का पालन करें। फिलहाल धार्मिक स्थानों को खोलने को लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं आया है। हालांकि 8 तारीख के बाद इस पर जब फैसला आएगा तो शर्तों के साथ ही वहां भी पूजा पाठ की इजाज़त मिलेगी। धार्मिक स्थानों में शर्तों के साथ केवल पूजा पाठ किया जा सकेगा। इसके अलावे किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग उसको हम लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दुकान खोलने के संबंध में भी एक बात वहाँ पे मिस कर गए तो उसको हम पुनः ऐड कर दे रहे हैं कि एक दुकान में जो है 5 से ज्यादा ग्राहक वहाँ पे नहीं रहेंगे और सभी लोगों को है 6 फीट का दूरी उनको बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके अलावा जो है मास्क पहनो कैंपेन भी यहाँ पे शुरू होगा और पंचायत अभी भी हम लोग जो मुखिया जितने भी पंचायत के मुखिया है सभी से हम लोग वार्तालाप किए हैं। पंचायत स्तर पर भी कैंपेनिंग शुरू होगा कि सभी लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता क्यों है और हम लोगों ने उनको बताया भी है कि मास्क हम लोग पहनते हैं। जो भी स्वास्थ्य विभाग का आंकड़े हैं उसमें काफी हद तक मास्क पहनने से जो है संक्रमण को रोका जा सकता है। अनलॉक वन में जो गाइडलाइंस आया है कि जो कर्फ्यू है वो रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का है। उस रात के 9 बजे से 5 बजे के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगी उसके अलावा जो है दुकान खुलने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर एक दिन खुल सकती है। इसमें हम लोग का तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जो फेज वन में जो ये खुलने की बात कही गई है वो है रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे पूजा स्थल है उसको हम लोग जो है 8 जून से हम लोग ओपन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक क्लियर कर देना चाहेंगे कि बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे खुलने की बात हो जाए पूजा स्थल की हो जाए, किसी भी तरह के रिलीजियस फंक्शन कराने के लिए किसी भी तरह का जो है प्रवृत्ति है वो सब एकदम मना है, वो आगे भी मना रहेगा, 8 जून के बाद भी अलाउ नहीं है। बन गया कि कम्प्लीटली छूट मिल गई है, वैसा भी अभी नहीं है। खास करके जो रिलीजियस मामले को लेकर या कोई भी सोशल गैदरिंग या अन्य गैदरिंग जो है उस पर किसी भी तरीके का कोई छूट नहीं मिला है, वो अभी भी कंटिन्यू है। रिलीजियस मामले में भी जो छूट मिलनी है वो 8 तारीख के बाद मिलेगी। तो अभी जैसा पहले चल रहा था रिलीजियस मामले में वैसा ही चलेगा, किसी तरीके की छूट नहीं। और 8 तारीख को भी जो छूट मिलेगी केवल जो रिलीजियस संस्थाएँ हैं और जो भी जहाँ पर वर्शिप करने का जो प्लेस है बस वहीं पे छूट मिलेगी। और उसमें भी कतिपय जो शर्त है वो उनका पालन करना होगा, जो शर्तें हैं उसकी गाइडलाइन भी अभियानी शेष है, उस गाइडलाइन के अधीन ही वो जो वर्शिप स्थल है, पूजा स्थल है, उसमें किस तरीके से अलाउ किया जाएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। लॉकडाउन के बाद अनलॉक पार्ट वन में सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ निजी वाहनों के परिचालन की भी छूट दी गई है। साथ ही साथ कहीं आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब लोग बिना पास के कहीं भी आ जा सकेंगे। हालांकि सार्वजनिक और निजी वाहनों के परिचालन के दौरान शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल नियमित रूप से करना होगा। सवारी गाड़ियों में जितनी सीट है उतने ही लोगों को सफ़र करने की इजाज़त होगी। हालांकि जो लोग शर्तों का उल्लंघन करेंगे वैसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। इसके अलावा शहर में रोको टोको टीम भी घूमेगी जो तमाम जगहों पर नज़र रखेगी कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना
फैलना तो नहीं हो रही है और लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। बहरहाल अनलॉक पार्ट वन में कई तरह की रियायतें मिलने के बाद अब एक बार फिर से जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटेगी तो विकास और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगा। लेकिन यहाँ यह समझना भी बेहद दिलचस्प है कि अभी कोरोना के संक्रमण का खतरा टला नहीं है। ऐसे में लोगों को चौकस और सावधान रहने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा ताकि खुद को सुरक्षित रखते हुए औरों के भी बीच संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। बक्सर से SDF न्यूज के लिए नीतीश सिंह की रिपोर्ट।